स्टेशन मास्टर पानीपत से सूचना मिली थी भी रेलवे यार्ड में किसी बच्चे को है ना बिजली का करंट लगने से घायल हो गया है, जो हमने मौके से उठाकर सिविल अस्पताल में दाखिल कराया था। दो बंदे थे रियान और मैं, वो साइड में खड़े थे जी। ये दोनों पहले नीचे ही फोटो खिंचवा रहे थे रेल का, वो होता ना जी। फिर ये पता नहीं, मैं तो रियान और मैं कोल बल थोड़ी मेज जा गए थे ना, उधर देख रहे थे दूर। फिर एकदम से पता नहीं झटकी आवाज आई कि गाड़ी के ऊपर चढ़ाओ, गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ था, गाड़ी के ऊपर। सेल्फी लेने का जुनून युवाओं पर इस कदर हावी होता जा रहा है कि वो एक सेल्फी के चक्कर में अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा रहे हैं। पानीपत में भी ऐसा ही कुछ हुआ। खटीक बस्ती का रहने वाला 14 साल का युवक अपने दोस्तों के साथ पानीपत रेलवे स्टेशन की यार्ड में खड़ी मालगाड़ी की छत पर चढ़कर सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान युवक हाई वोल्टेज की चपेट में आ गया। इस हादसे में युवक का सिर पूरी तरह से झुलस गया और उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर गंभीर स्थिति देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रोहतक PGI रेफर कर दिया। घायल युवक के दोस्तों ने जानकारी देते हुए बताया कि वे सभी पानीपत की खटीक बस्ती के रहने वाले हैं और फोटो शूट करने के लिए रेलवे स्टेशन पर आए हुए थे। युवक अकेला फाजिल यार्ड में खड़ी मालगाड़ी पर चढ़कर सेल्फी लेने लग गया और इसी दौरान ये हादसा हो गया। दो बंदे थे रियान और मैं, वो साइड में खड़े थे जी। ये दोनों पहले नीचे ही फोटो खिंचवा रहे थे रेल का, वो होता ना जी। फिर ये पता नहीं, मैं तो रियान और मैं कोल बल थोड़ी मेज जा गए थे ना, उधर देख रहे थे दूर। फिर एकदम से पता नहीं झटकी आवाज आई कि गाड़ी के ऊपर चढ़ाओ, गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ था, गाड़ी के ऊपर। कितने लोग थे आप लोग, कितने थे आप लोग? चार पाँच जी बच्चे। तो क्या करते आप लोग, क्या करते वहाँ पर? ये फोटो शूट कर रहे थे। फोटो शूट कर रहे थे, अच्छा। फिर मैं उठा के लेके गए इसको अस्पताल। तो ये गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ था जिसको करंट लगा है? हाँ जी, वो रुकी भीड़ है। क्या नाम है इनका जो करंट लगा है? क्या नाम, कितनी उम्र है इनकी? ये 14-15 साल। कहाँ रहते हैं ये? तो फिर आपको पुलिस ने सूचना दी, आपने या खुद ले गए आप लोग? वहाँ पे पुलिस को भी सूचना दी। तो अब हालत कैसी है इसकी, कुछ पता है? जल गया वो। वहीं पानीपत GRP का भी कहना है कि यार्ड में कट लगने की वजह से हादसा हुआ है और युवक को प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक PGI रेफर कर दिया गया है। स्टेशन मास्टर पानीपत से सूचना मिली थी भी रेलवे यार्ड में किसी बच्चे को है ना बिजली का करंट लगने से घायल हो गया है, जो हमने मौके से उठाकर सिविल अस्पताल में दाखिल कराया था। जो हालत ज़्यादा खराब होने के कारण इसको रेफर PGI कर दिया, जैसे भी हालत होगी कार्रवाई बन बनाएगी। सर क्या नाम बताएगा, कहाँ रहने वाला है? ये फाजिल है, खटीक बस्ती का है, उम्र करीब 14 साल है जी। हाँ जी, तो अब इसको रेफर कर दिया गया? हाँ, PGI खानपुर में रेफर कर दिया गया जी। और जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मालगाड़ी की छत पर खड़ा होकर सेल्फी ले रहा 14 साल का युवक हाई वोल्टेज की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसकी हालत काफी गंभीर है। लेकिन सेल्फी लेने के चक्कर में युवक ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा ली। हालांकि युवक के दोस्तों ने बताया कि वो सभी इसी लिए पानीपत के रेलवे स्टेशन पर आए थे ताकि वो फोटो शूट कर सके, लेकिन इसी दौरान वो मालगाड़ी पर चढ़कर सेल्फी लेने लग गया और इस हादसे का शिकार हो गया। वो इसे पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।